Hello students, this is Suman. Welcome to our YouTube channel that is Avision Institute, Avision for Government Job. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज क्लॉक पार्ट टू. इसके पहले पार्ट वन में हम बोले थे कि क्लॉक के ऊपर पांच टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जहां पर टू टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इस पार्ट में और जो तीन टाइप है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे. वो तीन टाइप क्या क्या है? कोइंसाइड, ऑपोजिट और राइट एंगल. अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा. चलिए देखते हैं आज का जो क्लॉक के ऊपर जो तीन टाइप क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे. तो अभी घड़ी में कितना बज रहे? 9 बज रहे. एक घंटे के बाद कितना बजेगा? 10 बजेगा. तो मतलब मिनट वाले सुई को क्या करना पड़ रहा है? 60 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, तब 10 बजेगा एक घंटे के बाद. और मिनट और आवर वाला जो सुई है उसको क्या, एक घंटे में 5 मिनट चलते हैं. तो देखिए मिनट वाला सुई कितना चल रहा है? 60 मिनट एक घंटे में. और आवर वाला सुई कितना चल रहा है? 5 मिनट चल रहा है एक घंटे में. तो क्या होता है, इसको माइनस करके कितना आएगा? 55. तो इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि मिनट वाला सुई घंटे वाला सुई से 55 मिनट ज़्यादा चल रहा है. ठीक है, तो मिनट वाला सुई घंटे वाला सुई से 55 मिनट ज़्यादा चल रहा है. तो देखिए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 55 मिनट तेज भागने के लिए कितना लग रहा है? 60 मिनट. तो एक मिनट तेज भागने के लिए कितना लगेगा? 60/55, मतलब 12/11. तो इस फ्रैक्शन को यूज करके हम लोग जो तीन टाइप है, कोइंसाइड, ऑपोजिट और राइट एंगल, इसको सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं एक कोइंसाइड क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम 4 to 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच टुगेदर. मतलब जब 4 से 5 बजेगा घड़ी में तो उस टाइम मिनट वाला सुई और घंटे वाला सुई दोनों एक का ऊपर कब आएगा, मतलब कोइंसाइड कब करेगा. तो देखिए अभी कितना बज रहा है? 4 बज रहे. अभी कितना बज रहे हैं? 5. तो 4 से जब 5 बजेगा तो दोनों सुई कब कोइंसाइड करेगा? देखिए ये जो मिनट वाला सुई है अभी 4 बज रहे हैं तो ऐसे जाएगा, तो फिर तो क्या है, इधर आएगा. तो इधर आने के बाद दोनों सुई कोइंसाइड कर जाएगा. तो मतलब मिनट वाला सुई को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है? 20 मिनट्स. मतलब 1, 2, 3, 4. 1 मतलब 5 मिनट्स, 2 मतलब 10 मिनट्स, 3 मतलब 15 मिनट्स और 4 मतलब 20 मिनट्स. तो देखिए 20 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है. ठीक है, तो 20 मिनट अगर एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है तो पहले हम क्या बोले थे, उस फ्रैक्शन को यूज करके. फ्रैक्शन मतलब क्या है, 55 मिनट तेज भागने के लिए कितना लग रहा है? 60 मिनट. तो 1 मिनट तेज भागने के लिए 60/55, मतलब 12/11. तो इसको लेकर हम लोग क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो देखिए 20 × 12/11 मतलब क्या हो गया, 240/11. 240 को डिवाइड कीजिए 22, तो देखिए जब घड़ी में 4:21:9/11 होगा तो उस टाइम दोनों जो सुई है, मतलब मिनट वाला और घंटे वाला जो सुई है, एक का ऊपर कोइंसाइड करेगा. देख लेते हैं कोइंसाइड का और एक क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम 8 to 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए वॉच टुगेदर. मतलब 8 से जब 9 बजेगा तो उस टाइम दोनों जो सुई है, मतलब मिनट वाला और आवर वाला जो सुई है, वो दोनों सुई एक का ऊपर कब कोइंसाइड करेगा. तो देखिए अभी कितना बज रहे हैं? 8 बज रहे. अभी कितना बज रहे हैं? 9 बज रहे. तो देखिए दोनों सुई कब कोइंसाइड करेगा. तो देखिए जो मिनट वाला सुई है ऐसे आएगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब मिनट वाला सुई को पहले क्या, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, उसके बाद 40 मिनट. तो इसमें देखिए 40 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है मिनट वाला सुई को, तब दोनों सुई कोइंसाइड करेगा.
तो देखिए 55 मिनट तेज भागने के लिए कितना लग रहा है, 60 मिनट, तो पहले हम बोले थे, और एक मिनट तो 60/55 मतलब 12/11, तो इस फ्रैक्शन को इसमें यूज करेंगे। तो देखिए 40 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मिनट प्लस हुई, तो क्या होगा 40 × 12/11 मतलब 480/11, 44। तो देखिए जब 8/43/7/11 होगा तब दोनों सुई एक के ऊपर कोइंसाइड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप क्या है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट का पहला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 to 9 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब 8 से जब 9 बजेगा तो उस टाइम जो घंटे वाला सुई और मिनट वाला सुई, इस दोनों सुई कब क्या ऑपोजिट में रहेगा। तो देखिए अभी कितना बज रहा है, 8 बज रहे, इसके बाद एक घंटे का बाद कितना बजेगा, 9 बजेगा, ठीक है। तो देखिए एक का ऑपोजिट क्यों रहता है, 7, ठीक है, 2 का ऑपोजिट क्या रहता है आपका 8, और 3 का ऑपोजिट रहता है 9, 4 का ऑपोजिट रहता है 10, और 5 का ऑपोजिट 11, और 6 का ऑपोजिट 12 रहता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद देखिए जब 8 से जब 9 बजेगा तो उस टाइम दोनों काटा क्या होगा, कब ऑपोजिट रहेगा। तो देखिए अभी ऐसे रहेंगे तब ऑपोजिट होगा, तो इसको मिनट वाला सुई को कितना चलना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, 10 मिनट्स। तो पहले जो फ्रैक्शन बताया 12/11, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 120/11, तो 120 इसको डिवाइड करेंगे, तो मतलब 8 बजकर जब 10 मिनट 10/11 होगा तो उस टाइम दोनों कांटा क्या होगा, एक का ऑपोजिट रहेगा। देख लेते हैं ऑपोजिट का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब 4 से 5 बजेगा घड़ी में तो दोनों कांटा जो है कब ऑपोजिट होगा। तो देखिए अभी कितना बज रहे हैं, 4 बज रहे, एक घंटे के बाद कितना बजेगा, 5 बजेगा। तो देखिए पहले हम बोले थे कि 4 का उल्टा क्या होता है, 10, 10 मतलब 50 मिनट, तो क्या होता है, तो देखिए 4 का उल्टा का ऐसे होगा तब ऑपोजिट में रहेगा, मिनट वाला सुई या घंटे वाला सुई क्या ऑपोजिट में रहेगा। तो मिनट वाला सुई को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, 50 मिनट्स चल रहे हैं। तो पहले फ्रैक्शन बताए थे कि 12/11, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 600/11 55 क्या हो जाएगा, 44 6, मतलब क्या होता है जब 4 54 6/11 होगा तो दोनों सुई क्या होगा, एक का ऑपोजिट रहेगा। और एक है मतलब कब दोनों सुई, देखिए एक घंटे में क्या होता है जो मिनट वाला सुई और घंटे वाला सुई एक के ऊपर ऑपोजिट एक बार होते हैं, लेकिन 24 घंटे में कितना बार होते हैं, 24 घंटे में 22 बार होते हैं, क्योंकि देखिए 5 और 6 जब बजेगा उस टाइम क्या होता है, 5 से 6 काउंट नहीं करेंगे, या तो 5 में काउंट करेंगे नहीं तो 6 में काउंट करेंगे। तो इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 24 घंटे में दोनों सुई कितना बार ऑपोजिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22। इसके बाद देख लेते हैं राइट एंगल। तो देखिए राइट एंगल एक घंटे में 2 बार होते हैं, ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो एक घंटे में 90 डिग्री कितना बार होते हैं, 2 बार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या 90 डिग्री और एक पॉइंट है, 90 डिग्री कब बनते हैं, जब मिनट वाला सुई और घंटे वाला का सुई डिफरेंस कितना होगा, 15 मिनट्स होगा, तब जो 90 डिग्री क्या होगा, क्रिएट होगा। तो इसके बाद एक पॉइंट है,
90 डिग्री एक घंटे में दो बार होता है, लेकिन 24 घंटे में कितना बार होता है? सब तो जानते हैं, एक घंटे में अगर क्या होता है, दो बार, तो 24 घंटे में कितना बार होगा? 48 बार, लेकिन बिल्कुल नहीं है। 24 घंटे में 44 टाइम्स होते हैं, क्योंकि दो से तीन, नहीं तो तीन से चार, या तो दो से तीन में काउंट करेंगे, नहीं तो तीन से चार में काउंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एक एक बार कम जाता है, तो एक घंटे में दो बार कम, 12 घंटे में क्या होगा, दो बार कम किया, और 24 घंटे में और भी एक बार कम जाता है, तो क्या होता है, चार बार घट गया, तो 48 माइनस 4 क्या हो गया, 44। तो क्या होता है, राइट एंगल कितना, 24 घंटे में कितना बार क्रिएट होते हैं, तो 44 टाइम्स क्रिएट होते हैं। राइट एंगल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पास्ट 7 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम। जब घड़ी में 7 बजेगा तो उसके बाद पहले बार राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कब क्रिएट होगा, तो देखिए कितना बज रहे, 7 बज रहे, ठीक है। इसके पहले हम क्या बोले थे कि जब मिनट वाला सुई या घंटे वाला सुई के डिफरेंस 15 मिनट होगा तो उस टाइम 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। तो देखिए क्या होता है, पहले बार तो 90 डिग्री, इसमें 6 है, 5 है, 4 है, तो देखिए 90 डिग्री हो गया। इसमें क्या, जब 7:20 मतलब जब मिनट वाला सुई क्या 4 में आएगा तो उस टाइम क्या होता है, 90 डिग्री क्रिएट हो जाता है। तो क्या होता है, जो मिनट वाला सुई को 12 से क्या होता है 4 में आना पड़ेगा, तो फर्स्ट टाइम 90 डिग्री क्रिएट होगा, 4 मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो 20 मिनट को क्या, जो पहले हम फ्रैक्शन बताए थे उस फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होता है, 240/11 मतलब 7:21:9/11 होगा, तो उस टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम 7 मतलब बजेगा, उसके बाद फर्स्ट टाइम 90 डिग्री एंगल क्रिएट होगा। राइट एंगल का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स पास्ट 6 द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल फॉर्म 90 डिग्री एंगल फॉर द सेकेंड टाइम। तो देखिए जब 6 बजेगा, 6 बजने के बाद सेकेंड टाइम कब क्या 90 डिग्री क्रिएट होगा, तो देखिए अभी कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो फर्स्ट टाइम में हम क्या बोले थे कि मिनट वाला सुई या घंटे वाला सुई को क्या होता है, जब 15 मिनट डिफरेंस होता है तो उस टाइम क्या होता है, 90 डिग्री क्रिएट होता है। तो फर्स्ट टाइम क्रिएट कब होगा, जब यहीं पर आएगा घंटे वाला सुई, तब 90 डिग्री क्रिएट होगा। तो उसके बाद देखिए सेकेंड टाइम कहां पर क्रिएट होगा, जब 9 में घंटा वाला मिनट वाला सुई आएगा तब सेकेंड टाइम 90 डिग्री क्रिएट होगा। तो देखिए मिनट वाला सुई को कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, 45 मिनट्स, 9 मतलब 45, 9 इंटू 5 मतलब 45 मिनट्स, इंटू जो फ्रैक्शन बताया 12/11 मतलब क्या होता है, 54/11, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो जब 6:49:1/11 होगा तो क्या होता है, 6 बजने के बाद सेकेंड टाइम राइट एंगल क्रिएट होगा। क्लॉक का चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसके पहले एक नोट्स है क्लॉक के ऊपर, तो नोट्स क्या है, तो देखिए सेकेंड वाला जो सुई है एक मिनट में कितना डिग्री कवर कर रहा है, 360 डिग्री, और मिनट वाला जो सुई है एक मिनट में कितना कवर कर रहा है, 6 डिग्री, और घंटे वाला जो सुई है एक मिनट में कितना कवर करेगा, 1/2 डिग्री, और घड़ी में जो नंबर है तो दोनों नंबर के बीच में कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो इसको याद कर लेना, और इसको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा है, तो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।